आयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला आफरीदी का कहना है कि आयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स और ओनर ने हड़ताल खत्म नहीं की, मुतालबा की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हम लोग का रास्ता हो गया, उन लोगों के साथ लेटर भी भेज दिया मीटिंग का, पीर को मीटिंग हुआ 2 बजे, पहले भी बोला अभी भी ये बोलो जब तक हम लोग का मसला नहीं होगा हम लोग हड़ताल नहीं खत्म करते। ऐसे कई दफा हम लोगों ने हड़ताल खत्म किया और हम लोग का मसला न उग्राने मसला हल करता था, न मिनिस्ट्री में हल होता था, न कोई टैक्स डिपार्टमेंट मसला हल करता था। रोजाना हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते, लोग परेशान हो गए, शहरी परेशान हो गए, पाकिस्तानी परेशान हो जाएंगे, रोजाना हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते। जब तक मसला नहीं होगा हड़ताल जारी होगा, पीर तक होगा, पीर के बाद अगर हम लोग का मसला नहीं होगा हड़ताल जारी होगा। तेल की सप्लाई बंद है, तेल की सप्लाई बंद है। कई दफा हम लोगों ने लेटर भी भेज दिया और मीटिंग भी हम लोगों ने किया, बोले फिर कल खुदा ना खास्ता तेल बंद हो जाएंगे, एयरपोर्ट पे बंद हो जाएगा और मसला बन जाएंगे। ये जो तकलीफ इसका सारा जिम्मेवारी वफाकी हुकूमत पे है।